हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत दिनों बाद पॉडकास्ट आ रहा है और इस पॉडकास्ट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बिकॉज आज मैं एक ऐसे गेस्ट को आपके सामने लेकर आया हूं जिनको काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कॉरपोरेट वर्ल्ड में इन टेक इंडस्ट्री, और आज जो सेक्टर बूम कर रहा है वो उसी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। तो कृष्णा भैया, मैं आपका बहुत ज्यादा वेलकम करता हूँ हमारे चैनल के ऊपर, और आपसे आज बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ स्टूडेंट्स को भी जानकारी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपका वेलकम है और मैं चाहूंगा आप अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें। थैंक यू, आपने मेरे को चैनल पर बुलाया और बहुत बहुत थैंक यू। एंड क्या कहते हैं, हमने बहुत प्लानिंग की इस बारे में और अच्छा है। तो सिंपल है, जैसे कि मैं क्या कहते हैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, मेरे फादर आर्मी थे एंड बहुत छोटे कॉलेज में पढ़ा, टीयर 3 कॉलेज में पढ़ा मैं। एंड क्या कहते हैं, वहाँ से आते हुए फिर कुछ आइडिया था नहीं कैंपस सिलेक्शन क्या होती है, ऑफ कैंपस क्या होती है। कॉलेज को ज़्यादा ही छोटा था तो वहाँ कोई कैंपस सिलेक्शन का ऑप्शन था नहीं, तो मैंने फिर ऑफ कैंपस ट्राई किया, फिर कई इंटरव्यूज़ दिए, उसके बाद जाके बहुत थोड़ा कुछ ज़्यादा ही मेहनत लग गई। एंड उस टाइम में ये भी रहता है ना कि गवर्नमेंट जॉब भी ट्राई कर लो, ये भी ट्राई कर लो, सब कुछ ट्राई कर लो, सब कुछ ही ट्राई कर कुछ लग रहा नहीं, रख रहा हो रहा नहीं हो रहा, कुछ गारंटी नहीं है। बट समहाउ 8th सेम विच इज 4th ईयर से पहले इंजीनियरिंग किया मैंने कंप्यूटर साइंस में, 8th सेम खत्म होने से पहले एक ऑफर लेटर मिल गया था। एंड वहाँ पे डेजिग्नेशन था प्रोग्रामर एंड सिस्टम एनालिस्ट, बट वहाँ जाके पता चला कुछ और ही है चक्कर। फिर वहाँ से स्टार्ट किया, अभी आईटी में करीब 6-7 साल हो गए हैं एंड अभी मैं बिग डेटा इंजीनियर हूँ। यह है मेरा छोटा इंट्रोडक्शन। ग्रेट ग्रेट, मतलब काफ़ी आपने चीज़ ट्राई करी है उसके बाद आप अभी इस पोजीशन पे, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी आपको। सो मैं जनरली जितने भी अभी तक पॉडकास्ट लिए हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, और यूट्यूब पे भी हम देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर से भरे पड़े हैं यूट्यूब, बट जनरली जो डेटा वाली फील्ड है जो आज के टाइम काफ़ी बूम हो रही है उसमें हमें बहुत नीड है, और स्टूडेंट्स को भी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है कि एग्जैक्टली काम क्या करना होता है। बिकॉज डेटा में भी डेटा इंजीनियर अलग पार्ट है, डेटा साइंटिस्ट अलग है, डेटा एनालिस्ट अलग है। तो ये चीज़ मुझे भी कन्फ्यूजन लगती थी, बिकॉज मैंने भी अभी रिसेंटली डेटा एनालिस्ट में सर्टिफिकेशन किया है, तो मुझे भी काफी इंटरेस्ट आ रहा था इस चीज में। तो एग्जैक्टली आपका वर्क रोल क्या होता है, कंपनी में क्या करना होता है? ओके, सो अगर आप सिंपल समझते हैं, जैसे एक डेवलपर होता है, एक टेस्टर होता है, सिंपल उसी तरह से क्या कहते हैं, एक डेटा इंजीनियर होता है और एक डेटा टेस्टर होता है। तो डेटा इंजीनियर जो होता है, जो खराब डेटा होते हैं, रॉ डेटा होते हैं, उस डेटा को लेता है, उसको साफ करता है, थोड़ा यूजेबल बनाता है, उसमें थोड़ा क्या कहते हैं ऐसे इंसाइट्स डालता है जो कि यूजफुल हो सके। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, जो डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे XML फाइल में, CSV फाइल में, टेक्स्ट फाइल में, या फिर किसी डेटाबेस में हो सकता है, मल्टीपल सोर्स ऑफ डेटा हो सकते हैं, बट उन सोर्स ऑफ डेटा और मल्टीपल फॉर्मेट में हो सकते हैं, किसी किसी अनरिक्वायर्ड डेटा भी हो सकते हैं, बट एट द एंड कुछ ऐसे चीज़ें होती है जो इससे बिजनेस एक अच्छा डिसीजन ले सके। इवन आप देखोगे AI ML वो सब कैसे, वो जो डेटा है उन डेटा को यूज करके वैसे मॉडल्स बनाए जा रहे हैं, और बिजनेस भी कभी आगे बढ़ना चाहता है वो देखता है कि हमने पिछले साल कैसे प्रोग्रेस किया अपने बिजनेस में, तो उस हिसाब से वो लोग डिसीजन लेते हैं। उस हिसाब से अगर डिसीजन लेंगे तो कैलकुलेटेड रिस्क रहेगा, अगर रिस्क ले भी रहे हैं या फिर कुछ करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो उसमें भी क्या रहेगा कि वो लोग देखेंगे कि हमने पिछले साल कैसा बिजनेस किया और किस जगह में मार खाया, किस जगह अच्छा किया, तो उस तरह से वो दूसरी कंपनीज के डेटा भी लेकर के वहां से इनसाइट निकाल सकते हैं और अच्छे बेटर डिसीजन ले सकते हैं। तो उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, जैसे कि डेटा इंजीनियर ये सब चीज़ें करता है, डेटा लेता है, अच्छा उनको बनाता है, और फिर लेटर साइड में बिजनेस को या फिर जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको डेटा लेके देता है। तो सेम चीज़ डेटा इंजीनियर ये सब कर दिया, ये पाइपलाइन बना दिए, डेटा को ले लिया, साफ किया, ये किया, कहीं डाल दिया, बट इन सबको टेस्ट कौन करेगा? डेटा सही जैसा बिजनेस को चाहिए वैसा ही बना है क्या? वो गारंटी कौन देगा? एक टेस्टर देगा। तो टेस्टर डेटा को लेगा, वो टेस्ट करेगा कि डेटा इससे यहाँ जो गया है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से गया है कि नहीं। जैसे कि सिंपल एक वेबसाइट ले लो, आप वेबसाइट करते हो कि यहाँ पे बटन होना चाहिए, इस कलर का बटन होना चाहिए, पासवर्ड ऐसा होना चाहिए, यूजर नेम ऐसा होना चाहिए, उसके लिए हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है कि यूजर कैसे एंटर करेगा, चाहे वो नेगेटिव टेस्टिंग हो सकती है, पॉजिटिव टेस्टिंग हो सकती है, ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, कई तरह की टेस्टिंग हो सकती है। सिमिलर चीज़ यहाँ पे भी आ जाती है कि वो जो डेटा है वो सही है कि नहीं, राइट फॉर्मेट में है कि नहीं, राइट सीक्वेंस में है कि नहीं, और जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाए गए हैं उसको, डेटा को जो चेंज किया गया है वो सही से हुआ है कि नहीं, तो वो सब करते हैं। और मोस्टली ज़्यादातर SQL और थोड़ा बहुत पाइथन इस्तेमाल होता है हमारे टेस्टिंग के लिए, ज़्यादा इतना कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं होती है, बहुत सिंपल है मेरे को इतना लगता है अभी। ग्रेट। सो कृष्णा भैया, लाइक
प्रेशर कैसा होता है, लाइक अगर हम बात करें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के वर्क रोल की और एक डेटा रिलेटेड वर्क रोल की, तो किसमें प्रेशर ज्यादा होता है? मतलब काम SDE, एक जो बंदा बन रहा है उसकी लाइफ इजी होगी, वर्क लाइफ बैलेंस और कंपैरिजन टू डेटा रोल? अभी ये तो एक सही कंपैरिजन नहीं होगा, बट ऐसा है कि अभी डेटा इंजीनियर ले लो या सॉफ्टवेयर डेवलपर ले लो जो वेबसाइट डिजाइन कर रहा है या बैकएंड डिजाइन कर रहा है या API, सब रोल है। वैसे देखा जाए तो प्रेशर और सब चीजें तो सेम ही रहेंगी, जैसे कि काम करते हैं चाहे वो एजाइल मॉडल में हो या फिर क्या कहते हैं कनबन मॉडल में हो, वहां पे स्क्रम होंगे स्प्रिंट होंगे, तो चीजें सेम रहती हैं। बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर एक टेस्टर है कंपेयर टू एक डेवलपर, तो टेस्टर थोड़ा रिलैक्स रह सकता है, इतना मेरा आपकी टेक्निकल स्किल अच्छी होंगी तो। अगर आपकी टेक्निकल स्किल है तो आपको प्रॉब्लम चैलेंज कहीं भी आएगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, डेटा इंजीनियर हो, डेटा साइंटिस्ट हो, या डेटा टेस्टर हो, या कोई भी मैनुअल टेस्टर हो, ऑटोमेशन टेस्टर कुछ भी हो, या फिर डेवलपर कुछ भी हो, अगर आपके टेक्निकल स्किल में कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं और आपके टेक्निकल स्किल इतने स्ट्रांग नहीं है तो प्रॉब्लम आएंगे। बट बाकी अगर टेक्निकल स्किल अच्छा है तो डेटा टेस्टर या फिर एक टेस्टर को थोड़ा कम काम होता है, मेरे को जितना फील होता है, क्योंकि मैंने जब काम किया है टेस्टिंग में इतना, तो मेरे को ऐसा फील होता है कि थोड़ा कम काम होता है। एटलीस्ट जब डेवलपर डेवलप कर रहे हैं, हम अपने टेस्ट केसेस आराम से बना सकते हैं, और टेस्ट केसेस बनाने का फॉर्मेट स्टैंडर्ड होता है, तो उसमें अगर आप कुछ कोडिंग स्क्रिप्ट विप लिख रहे हो तो वो चीज़ भी आपकी आराम से हो जाती है, एंड टेस्टिंग में जब आता है तब थोड़ा प्रेशर हो जाता है। बट कभी अगर सर्विस ओरिएंटेड कंपनीज होती हैं जहाँ पे आपको क्लाइंट का प्रेशर रहेगा और बहुत जल्दी आपको गोल्स मीट करने होंगे, तो उस सिनेरियो में थोड़ा प्रेशर बढ़ सकता है कि आपने 100 लिखे होंगे बट आपके पास होगा बहुत कम टाइम, रिसोर्सेज भी कम होंगे, टीम मेंबर्स कम होंगे, तो वो जल्दी जल्दी कहाँ पे मिस होने के चांसेस हो सकते हैं, तो वो मिस हो जाएंगे तो भी आपके सर पे आएगा, और आपने अच्छे से करने की कोशिश भी करोगे तो वो चीज़ थोड़ा डिफिकल्ट रह सकता है। बाकी तो ओवरऑल आई फील काफी स्टूडेंट्स के ये चीज तो क्लियर हो गई होगी। जनरली सब स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पीछे भागते हैं, बट एक ये न्यू फील्ड जो निकल के आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, ये आपको काफी अगले जा सकती है। तो अगला क्वेश्चन भी है मेरा ये रहेगा कि स्टूडेंट्स को समझ तो आ गया रोल क्या होता है, वर्क बैलेंस कैसा होता है, बट अब प्रिपरेशन कैसे करें स्टूडेंट्स कॉलेज में? बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स एक जनरल CSE IT लेके बैठे हैं और जनरली ज्यादातर कॉलेजेस में वही पुराना सिलेबस चल रहा है, तो अगर उनको इस फील्ड में आना है तो कॉलेज के सब्जेक्ट्स इनफ हैं या कुछ और एक्स्ट्रा उनको करना है? ठीक है। जैसे कि जो क्या कहते हैं कॉलेज के सब्जेक्ट्स होते हैं वो फाउंडेशन के हिसाब से देखा जाए ना, तो मैं थोड़ा स्ट्रेस यहाँ पे देना चाहूंगा कि वो फाउंडेशन लेवल पे बहुत सही है। जैसे कि आप वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जावास्क्रिप्ट हो गया, जावा हो गया, C++ हो गया, पाइथन हो गया, तो ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके डेटा स्ट्रक्चर अल्गोरिदम हो गए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को इतना लगता है कि कुछ कुछ सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप क्यों इंटरव्यू के लिए अलग से प्रिपरेशन करेंगे जब आप फोर्थ ईयर में चले जाते हो, जो अब आपका सब्जेक्ट अगर थर्ड सेम या फोर्थ सेम में है तो तभी क्यों आप अच्छे से ना पढ़ लें कि आपको बस फोर्थ ईयर में 8th सेम में जाके बस रिवाइज करना पड़े। तो इसलिए मेरा ये रहेगा कि आप अगर उस सब्जेक्ट है उस टाइम में और इम्पोर्टेंट है तो आप अच्छे से पढ़िए। अगर आप किसी कोई अगर जाता है कि नेटवर्क लाइन में जाए या एथिकल हैकिंग जाए कुछ जाए, अगर नेटवर्क प्रोग्रामिंग है तो उस सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको फोर्थ ईयर पता नहीं है कि मेरे को कहाँ जाना है, तो आप हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कम से कम फाउंडेशन लेवल पे आपको पता चल गया कि होता क्या है, फिर जो उसके ऊपर सीखेंगे आप, जो जैसे कि अगर मैं जैसा बोलना चाहूंगा, अगर आप डेटा इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप कहते हैं जी कि SQL तो आपको जानना ही, मतलब आप खाते पीते सोते आपको SQL आना चाहिए, जो कि SQL आना ही चाहिए, एंड उसके साथ आप पाइथन सीखते हो, पाइथन के साथ स्पार्क ये सब कुछ पांडास ये फ्रेमवर्क सीखोगे तो बहुत अच्छा वैल्यू ऐड हो जाएगा। एंड अगर आप क्या कहते हैं फ्रंट एंड या बैक एंड में ऐसा काम करना चाहते हो जो कि डेटा साइड में, तो उसमें आप कम से कम जावा जावा स्क्रिप्ट HTML CSS ऐसे कम से कम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या कोई फ्रेमवर्क हो गए REST फ्रेमवर्क हो गया, ऐसे कुछ फ्रेमवर्क है वो भी आप अच्छे से सीखिए। कम से कम आपका 7th सेम में प्रिपरेशन अच्छी हो जानी चाहिए कि 8th सेम आते आते तक आप खुद का प्रोजेक्ट खुद बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप नहीं बना पाते हैं, कहीं से खरीदते हो, ये करते हो, जुगाड़ करते हो, तो फिर थोड़ा डिसएडवांटेज में रहोगे, क्योंकि फिर आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन के लिए पूरा जीरो से स्क्रैच से पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, वो डिफिकल्ट फेज आ जाएगा, फिर आपके इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद गैप आने के चांसेस हो जाएंगे। तो ऐसे सब चीजें में ना पढ़ो, स्टार्टिंग से ही फोकस करके करोगे फाउंडेशन लेवल पे, अपने कॉलेज का जो लर्निंग है वो है,
उसके अलावा हम ऐड कर रहे हैं, तो वो चीज आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि अगर बिल्डिंग का फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, उसके ऊपर कितना भी अच्छा आप कलाकारी कर रहे हो वो कब टूटेगा पता नहीं। सही बात है, तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस और एडवाइस रहेगा सबको। ग्रेट, मतलब मुझे भी काफी कुछ जानने को मिल रहा है फील्ड के बारे में, मैं भी काफी ज्यादा एक्सपायरिंग हूँ इन चीजों में मतलब। एंड अगला मेरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये है कि हमने बात कर ली प्रिपरेशन की, हमने बात कर ली वर्क लाइफ बैलेंस की, रोल क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, अब बात आती है अल्टीमेटली घूम फिर के पैसे पे। मतलब बंदा एक सोचता है कि काफी सारे मतलब स्टूडेंट जो एक लोअर मिडिल क्लास से आते हैं लोन लेके अपनी एजुकेशन करते हैं, और उनका एक ड्रीम होता है पेरेंट्स का भी कि हमारा बच्चा एक अच्छे पैकेज पे जॉब ले, अच्छी कंपनी एमएनसी में जाए। तो अगर हम कंपेयर करें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को और इस डेटा इंजीनियरिंग फील्ड को जो उभरती हुई निकल रही है, तो क्या एक रेशो रहता है फाइनेंशियली, क्या इस वाले जॉब रोल में भी वो ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है जो अदर टेक रोल्स में होती है? अब मेरे को लगता है दोनों में सेम चीज ही रहेगी, क्योंकि अभी मैं जैसे नए न्यू हायर्स को देख रहा हूँ, मैं काम करता हूँ उनके साथ, कोई मेरे बड़ी होता है या फिर कोई मेरा टीम मेंबर होता है, कोई मेरे नीचे होता है, कोई नए ज्वाइन करते हैं, इंटर्न्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग देना हुआ, समझाना हुआ, ऐसे जब चीज़ें होती हैं, तो इतना मुझे लगता है कि चाहे वो SDE हो या डेटा इंजीनियर हो लेवल पे, तो ऑलमोस्ट सेम रहता है। बट जैसे आगे बढ़ते हो ना, मेरे को ऐसा लगता है, अगेन मेरा खुद का एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, कि डेटा इंजीनियरिंग में शायद SDE से ऊपर मिल सकता है सैलरी, इतना मुझे लगता है। क्योंकि कि अगर आप देखें कि चाहे वो वेबसाइट डिज़ाइन हो गया, मतलब उसमें भी कई नई चीज़ें आ सकती हैं, अगर मुझे नहीं पता है इतना, बट ये है डेटा जो है, डेटा से इनसाइट निकालना, डेटा के साथ अभी जो ग्रोथ हो रहा है हम देख रहे हैं, क्या कहते हैं, चाहे वो रोबोटिक्स में हो, चाहे वो AI ML में हो, ऐसे कई चीज़ जो आ रहे हैं, वो सब चीज़ जो आ रहे हैं वो चीज़ सब डेटा ड्रिवन है, उनका कोर वैल्यू डेटा है। तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि एटलीस्ट कुछ सालों तक डेटा इंडस्ट्री होल IT सेक्टर, उससे लगता है कि इसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, एंड पे स्केल में भी मेरे को लगता है कि इसका पे एटलीस्ट एक्सपीरियंस लेवल पे जैसे आपका ग्रोथ बढ़ जाए और आप बहुत सारी चीज़ें सीख लें, तो उसके साथ पे स्केल भी ज़्यादा हो सकता है, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस एंड थॉट है। और इसी के साथ अगर आप मतलब अपना जब आपने करियर स्टार्ट किया था, अपना इनकम अगर आप रेंज में बताना चाहें और अभी के टाइम की एक्सपीरियंस के बाद, ताकि एक स्टूडेंट को आइडिया लग जाए कि मेहनत करने के बाद क्या रिवार्ड्स रहते हैं। तो मेरा तो थोड़ा बहुत डिफिकल्टी था, ऐसे आप समझो कि मैं ना तो इंजीनियर, ना तो टेस्टर, ना तो कुछ, मैं तो टेक्निकल सपोर्ट में था, मैंने स्टार्ट किया था। बट एज अ स्टार्टिंग सैलरी, मैं 2017 में जब मेरा करियर स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग सैलरी कुछ 3.5 लाख के आसपास मिला था CTC, एंड जो कि 25-26 हज़ार आ जाती है आफ्टर टैक्स, जो बैंक में आएगा 25-26 हज़ार आ जाते हैं, तो उतना स्टार्टिंग होता। फिर वो कंपनी में रहते रहते मैं टेक्निकल सपोर्ट करते ही अप्रेजल मिलने के बाद करीब 6-7 लाख के आसपास हो गया था। एंड फिर वहाँ से जब मैंने अच्छे से प्रॉपर IT में आया, जहाँ मैं ETL हो गया, डेटा वेयरहाउस हो गया, बिग डेटा, ये सब चीज़ें सीख के आया जब मैं, फिर मेरा सैलरी थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हुआ। और वहाँ से जब मैंने देखा है कि कम से कम वहाँ से 300-400% का मेरा ग्रोथ हुआ है, एंड ये बस 3-4 साल के अंदर अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो अगर आप मेहनत करो एंड डेडिकेटेडली, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम होती है कि आप जब कॉलेज में होते हैं ना, एक तो कॉलेज तो सही एजुकेशन नहीं दे पाता, और वहाँ के टीचर्स हैं, सॉरी टीचर्स को बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, बट वहाँ के टीचर्स भी इतना क्वालिफाइड नहीं है कि जो आपको कम से कम ग्राउंड रियलिटी या फिर प्रैक्टिकली क्या चलता है एक कंपनी में वो नॉलेज दे सके, तो वहाँ पे एक गैप आ जाता है। और फिर बच्चे आजकल के जो जेंजी जनरेशन है वो गाइडेंस इतना लेना नहीं चाहते, भले अबंडेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, यूट्यूब हो गया, कई कोर्सेस हो गए, कहीं चीज़ कई कई जगह से इन्फॉर्मेशन है, बट फिर भी एक प्रॉपर गाइडेंस आपको मिले, जैसे कि मुझे भी नहीं मिला, मैंने भी कहीं से मिला नहीं, फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में फर्स्ट जनरेशन इंजीनियर, कोई जनरेशन में इंजीनियर रहा नहीं, और किसी एक के साथ इतना क्लोज रिलेशन था रहा नहीं, कोई सीनियर यूनियर जो अच्छा हो, मतलब उस कॉलेज में तो कोई सीनियर के साथ था रिलेशन, बट वहाँ पे इतना कोई कुछ खुद ही अपने लाइफ में नहीं कर पाए हैं, तो वो लोग क्या गाइड करेंगे। बट आप सिंस अभी क्या, अभी इतने अच्छे प्लेटफॉर्म यूट्यूब प्लेटफॉर्म में, आप जिसको भी फॉलो करते हैं, जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप जिसको भी फॉलो करते हैं, यूट्यूबर को हो गया या जिससे भी आप गाइड लेते हैं, वो एक अच्छे पोजीशन में है, अच्छा कर रहे हैं अपने करियर, तो उनकी बात अच्छे से सुनिए। अपने कॉलेज लेवल पे ही जो हम गलतियां अभी कर चुके हैं, मतलब मैं अगर ये 3-4 साल में जो मैंने गलतियां की हैं अपने करियर को स्टार्ट करके, जो 3-4 साल गलतियां की हैं, वो आप गलतियां ना करें,
और वो आप कॉलेज लाइफ में सुधार लें तो आपका करियर अच्छा हो जाए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि गाइडेंस होना अच्छी बात है, गाइडेंस लेना और उनसे उस चीज़ों को सुधार करना, तो ये सब चीज़ें बहुत मदद करती हैं। एंड इस तरह से सैलरी ग्रोथ आप मेहनत करेंगे, अच्छा करेंगे, तो स्टार्टिंग सैलरी भले ही कुछ भी हो बट इवेंचुअली, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट स्विच मारा उसी में मेरा 300% का ग्रोथ मिल गया, फिर उसके बाद और 100% ऐसे करके टोटल स्टार्टिंग सैलरी से करीब 1000% ग्रोथ ले चुका हूँगा मैं अभी टोटल 6 ईयर्स के एक्सपीरियंस में। तो कुछ इस तरह यहाँ तक पहुँचे। कृष्ण भैया, आपकी स्टोरी मतलब काफ़ी इंस्पायरिंग है। मतलब जनरली हमें वो लगता है कि हमारा पैकेज तो बहुत कम लगा है, हमारे जो साथ में पढ़े हुए बच्चे हैं कोई अच्छी अमेजोन में कोई फ्लिपकार्ट में, तो ये चीज़ से डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। ये आपकी स्टोरी से हमें साफ सीखने को मिलता है कि मेहनत करते रहो, स्किल्स अपनी इम्प्रूव करते रहो, और जैसे आपने 6 साल में बताया कि इतनी ग्रोथ है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और स्टूडेंट्स को ये चीज़ का मैसेज मिल गया होगा, बिकॉज हम पैसों के पीछे भागते हैं स्टार्टिंग में, आपको एक्सपीरियंस के पीछे भागना है, सीखने के पीछे भागना है। तो कृष्ण भैया, आपने सब चीजें बता दी हैं, स्टिल अगर कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि आपसे पर्सनली बात करें, मेंटोरशिप लें, तो आपका कुछ ऐसा हो, आपका आई थिंक यूट्यूब चैनल भी है, तो आप वो थोड़ा सा बता दें कैसे आपसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने जो लास्ट में बोला वो एक अच्छी पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, उसको दोहराना चाहूंगा कि आप ना अपने दोस्तों से कंपेयर मत करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर हो जाती है। क्योंकि आपका लाइफ जो है यूनिक है, तो आपका लाइफ में कब चीजें आएंगी वो अब आप डिसाइड करो, एंड वो आपका जर्नी है। आप ये मत सोचो कि क्या कहते हैं उसको इतना लाख का मिल गया, उसको ये कंपनी मिल गई, वो कंपनी मिल गई, आपको पता नहीं, आपका जर्नी है, आप लड़ते जाइए, आप मेहनत करते रहिए, क्या पता आप उससे भी ऊपर चले जाएं। करोगे ना फिर वो इल्यूजन में रहोगे, दुखी रहोगे, उससे अच्छा है जो अभी प्रेजेंट में है उसको एंजॉय करो और मेहनत करते रहो। तो वो चीज़ बहुत अच्छी आपने बोली, तो वो है कि कोई किसी भी कंपनी में हो, कितने लाख का पैकेज हो, आप मेहनत करते रहिए, क्या पता आप उससे ऊपर भी चले जाएं। बट अगर आप वो दिल में रखेंगे, वो जेलसी फीलिंग रखेंगे, तो आप आगे पहुंच भी गए तो भी अच्छा खुश नहीं रह पाएंगे। तो थैंक यू, आपने हाईलाइट किया। एंड मेरा एक YouTube चैनल है जो कि टेकी कृष्णा काइकिंग नाम से YouTube चैनल है, एंड आप लोग वो सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हो तो मेरे से Instagram और LinkedIn में फॉलो कर सकते हो, एंड मेरे चैनल में जाएंगे भी तो वहाँ पे भी आप मेरे साथ एक 1-on-1 सेशन भी शेड्यूल कर सकते हो। LinkedIn पे आप पिंग या Instagram मैसेज करोगे तो भी वहाँ पे हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। कुछ अगर सीखना चाहते हो, मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हो तो वो कर सकते हैं, जैन बात चाहते हो तो भी कर सकते हैं। एंड मैं बैंगलोर में हूँ, अगर आप इंस्टाग्राम में या लिंक्डइन में मेरे से मैसेज करके बात चैट करेंगे तो अगर पॉसिबिलिटी हुई तो शायद भी सकते। तो कृष्ण भैया, एट द एंड मैं चाहूँगा आप कुछ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे यंगस्टर्स को एडवाइस दो जो कॉलेज में अभी घुसे हैं या अभी सेकेंड ईयर में हैं, क्योंकि उनके में होता है कि कहीं तो सोचते हैं कि हम 6 महीने में फोड़ देंगे पढ़ के, 6 महीने इनफ होते हैं प्लेसमेंट के, लेकिन सोचते हैं कि पहले साल से पढ़ना पड़ता है तब जाके इतने का पैकेज लगता है। तो आपके एक्सपीरियंस से आप छोटा सा जो एडवाइस देना चाहो मैं चाहूंगा। जो भी यंगस्टर आप लोग देख रहे हैं, एंड आप लोग ने बहुत अच्छा है, एंड ऋषभ के वीडियोस फॉलो करते रहिए एंड सीखते रहिए। एंड मेरा एक बहुत छोटा एडवाइस रहेगा कि आप जिंदगी में हार मत मानिए कभी भी, ठीक है? और आप बड़े कॉलेज में हैं, छोटे कॉलेज में हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? मैं तो बोलूंगा इंजॉय भी अच्छा करिए, फर्स्ट ईयर में तो एंजॉय करिए, मतलब पढ़ाई डिसेंट होना चाहिए, मार्क्स अच्छे आए, फर्स्ट ईयर आराम से एंजॉय करिए, सेकंड ईयर से प्रिपरेशन अच्छी स्टार्ट करिए, और फोर्थ ईयर पहुंचने तक आप इतना तो सीख जाइए कि आप खुद का सॉफ्टवेयर बना सको, खुद के पाइपलाइन अगर डेटा साइड में हो खुद का कुछ बना सको, और अगर आप फ्रंट एंड बैक एंड में खुद का कुछ बनाना, ऐसा वैसा दिमाग आप चलाओ, उस लेवल तक आप पहुंच जाओगे। कॉलेज मायने नहीं रखता, आपके मार्क्स मायने नहीं रखते, सब कुछ आपकी स्किल डिसाइड करेगा, और आपको वो कॉन्फिडेंस जरूर रहना चाहिए कि आपको, और अपना कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा स्ट्रांग रखिए, क्योंकि कि आपका नॉलेज जो यहाँ है वो यहाँ पे निकल के आना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू जज किया जाएगा आपके बातों से, आपके प्रेजेंटेशन स्किल से। तो 2-3 चीज़ है, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, वो आप फर्स्ट ईयर से, या फिर अगर अच्छा है तो उसको और प्रेजेंटेबल लेयर, प्रेजेंटेबल स्टेट तक लेके जाइए और अच्छा इंप्रूव करिए कम्युनिकेशन स्किल। सेकंड, आपके टेक्निकल स्किल, कम से कम सेकंड ईयर से आप काम करना स्टार्ट करिए, फर्स्ट ईयर आराम से इंजॉय करिए, पार्टी करिए, ज़्यादा ड्रग्स व्रग्स मत घुसिए, थोड़ा बहुत जो इतना है उतना इंजॉय करिए, अच्छा दोस्तों के साथ रिलेशनशिप अच्छा बना के रखिए, और कुछ अच्छे दोस्त बनाइए जरूर,
जो आपके साथ हर समय रहें, चाहे वो अच्छी अच्छा टाइम हो, खराब टाइम हो, कुछ भी हो। ये अच्छे जोश बनाइए, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल रखिए, अच्छे टेक्निकल स्किल लर्न करते रहिए। ये तीन चीज आपको बहुत आगे ले जाएंगे। हार नहीं मानना है, बस फोड़ना है फिर। बट 2-3 साल लगेंगे, ऐसा 6 महीने में कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? आपको टाइम लगेगा, बहुत मेहनत, क्योंकि 6 महीने वाली जो मेहनत है ना, वो मैंने खुद की है। 6 महीने में पूरा रगड़ना पड़ जाता है, कम से कम 12-15 घंटे हर दिन 6 महीने पढ़ोगे तब जाके कुछ होने वाला है। तो आपके पास अगर 3 साल है तो हर दिन 2-2, 3-3 घंटा पढ़ सकते हो, और 3 साल में बहुत कुछ मेरे कल्स हो सकते हैं। कॉलेज मैटर नहीं करेगा, मार्क्स मैटर नहीं करेंगे, आप स्किल जरूर मैटर करेंगे। बहुत शानदार। तो कृष्णा भैया बहुत ज्यादा थैंक यू आपको, तो मतलब आपने इतना सब कुछ एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया है कि अभी स्टूडेंट्स को इसके रिगार्डिंग तो कोई डाउट नहीं रहने वाला है।